मायरा ईद मुबारक। हम रोटी के साथ ईद मना रहे हैं। दोस्तों अब सबको ईदी देना है। मैंने बनाया तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा तो पहले खाओ तो सही। तो कैसा लग रहा है उज्मा? उज्मा बहुत अच्छी लग रही है। उज्मा का आउटफिट बहुत अच्छा है, अभी ये दिखाएगी खड़ा होकर। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है ईद। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को प्यार भरा ईद मुबारक। तो दोस्तों अभी सुबह का 5:50 हो रहा है, यानी कि लगभग 6 बज चुके हैं। घर में सबसे पहले मैं उठा हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहला ईद का नमाज पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे घर के पास में एक मस्जिद है जहाँ 8 ईद की नमाज होगी। तो यानी कि लगभग मेरे पास 2 बच रहे हैं, मुझे फटाफट तैयार होना है, शेविंग करनी है, सब कुछ करना है। तो अभी सबा और फाजिल सोए हुए हैं क्योंकि अभी उन्हें तो उठकर भी क्या फायदा, वो थोड़ा लेट में उठेंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम तैयार हो जाते हैं। दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ। कैसा आपको लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम सवा से पूछते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए यही मेरा ईद का पूरी तैयारी है। तो दोस्तों अब मैं चला ईद का नमाज पढ़ने। अभी देखिए 7:40 हो गया, सिर्फ मेरे पास 20 है। ईद का नमाज 20 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला गला अफजल से मिला हूँ मैं, ठीक है, नमाज पढ़ के। ये देखिए सारे लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं। दोस्तों ये है मेरा भाई, ठीक है। हाँ आपको भी। ये मेरे अंकल। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक शान। अच्छा तुमको ईद देते हैं अभी थोड़ा देर बाद, ठीक है। दोस्तों ये देखिए असीफा मेरी भगनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत अच्छा लग रहा है जोया। आयरा ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक सोया। दोस्तों देखिए फाइनली फाजिल भी तैयार हो गया है और अभी ये जाएगा नीचे दादी से मिलने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक नानी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बाबू आपको भी ईद मुबारक हो। सर्दी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तुम चेंज कराते हैं? ईद मुबारक। अच्छा से अच्छा से जो दिखाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सबा का भी, भाभी का भी। और देखिए बड़ी भाभी रोटी बना रही है। अम्मी भी। तीनों बहू के साथ सब है। और अम्मी तीनों बहू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ईद मना रहे हैं। हम रोटी के साथ ईद मना रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्याला पी लेते हैं। दोस्तों अब सबको ईदी देना है। सबसे पहले जोया को देंगे क्योंकि जोया बड़ी है, ठीक है। के बाद आयरा रियान। तो इधर आओ पहले, ये ले, ये जोया को, ये आयरा को, और रियान 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 को, ये श्यान को, ये 10-10 तुम लोग दोनों, ठीक है, दोनों लेगी। दोस्तों देखिए सवा बनाई है शीर खुरमा ईद के मौके पर। सबसे पहले सवा बताएगी कैसा लग रहा है। मैंने बनाया तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा तो पहले खाओ तो सही। हाथ की बुराई कौन करता है। अच्छा
नहीं नहीं तुम बुराई नहीं करोगी, तुम पे यकीन है हमको। हेलो, कैसा लगा बाबू? पास हो गई तू? तो दोस्तों ईद के मौके पर मेरे घर पर मेरी कजन आई है, तो नाम बताइए अपना। उस्मा। का नाम है उस्मा। और आपका? मुस्कान। का नाम है मुस्कान। तो मेरे घर पे ये ऐसे तो मतलब कुछ अगर फंक्शन हो तभी नजर पड़ती है, ऐसे नजर नहीं पड़ेगी। सही बात है, ऐसे मौका ही नहीं है, सब पढ़ाई में रहती है, पढ़ने में। अच्छा लग रहा उस्मा, खाने में अच्छा लग रहा है, तेरी अम्मी ऐसा ना लगता होगा। ये बनाए से छोटी अम्मी। छोटी अम्मी भाभी, अरे छोटी भाभी रे, गलत, तेरी छोटी भाभी बनाई है। तो कैसा लग रहा है उस्मा? उस्मा बहुत अच्छी लग रही है, उस्मा का आउटफिट बहुत अच्छा है, अभी दिखाएगी खड़ा होकर। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए माशाल्लाह, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो अब उस्मा अपने घर जा रही है, ठीक है, अब हम लोग कुछ देर के बाद इसके घर जाएंगे, ठीक है, सब मिल जाएगी। तो ठीक है उस्मा, आते हैं फिर, ठीक है, सलाम वालेकुम। दोस्तों अभी अफजल और समीर आ रहा है मेरे घर, मैंने उसे बुलाया है ईद के मौके पे, तो चलिए वो नीचे आया हुआ है। ये दोनों भाई गले मिल रहे हैं एक साथ, बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, ज्यादा गस के नहीं चाहना, ठीक है, अगर जोर से दबा जाएगा मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ेगा, समझ पाया, तेरे से हल्के से। तो दोस्तों सारे गेस्ट आकर चले गए हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना में सबा ने बिरयानी बनाया है और फाजिल अपनी नानी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। बाबू नानी से बात कर रहा है, नानी से बात कर रहा है। हाँ हाँ दोस्तों देखिए फाजिल के लिए यहाँ पर एक घरेलू नुस्खा किया जा रहा है, फाजिल को सर्दी जुकाम हो गया है, जायफल है ये, जायफल है, ठीक है, और जायफल को लगाने से सर्दी जुकाम बच्चे का ठीक हो जाता है। ये देखिए फाजिल का हाल क्या हो गया है, ये देखिए फाजिल का हाल दिख रहा है, देखो तो ये यक्कू बन गया है, डाकू खुमफारा सिंह। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं उज्मा के घर यानी कि अंकल के घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। बाबू का रुमाल लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ इधर सब आओ। अंकल है समर? समर सोया हुआ अंकल। अंकल तो पूरा रूम में मेहनत कर दिए, पर्सनल हो गया महताब कर ये अंकल और आंटी के लिए है ना, चाचा भी दादा हो गए। सर सर जवान जवान में दादा हो जा रहे। दोस्तों ये देखिए आंटी हमारे लिए चाट लाई हैं। तुम लोग खा ली है? दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं फाजिल को डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि इसको सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और हमने फाजिल के लिए दवा भी ले लिया है, अब उसका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। और सबा यहाँ अपने भाई से बात कर रही है और बहन से बात कर रही है, और फाजिल अभी यहाँ सोया हुआ है। इधर जरा बोल दो कुछ, इधर देख लो, बोलो क्या बोलो। आप सभी को, आप सभी को ईद मुबारक। ऐसे हम सुबह सुबह ईद मुबारक बोल दिए थे। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।